एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसके अंदर है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज यूज करके और इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ भी 48 है माइनस का, तो हम पहले इसे कॉमन ले लेते हैं। माइनस 48 हमने जब कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचा 26 और यहाँ पर बचा माइनस 36। साइन इसका हमने माइनस लगाया यहाँ पर, क्योंकि माइनस था वहां पर। माइनस 48 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 26 और 36 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो जब इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 480। जब 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें 125 को और 8 का हम पेयर बना करके रख देते हैं, 53 को ऐसे ही रखेंगे और ये जो माइनस है इसको बाहर लगा देंगे यहाँ, और इसके अंदर रखेंगे हम 125 मल्टीप्लाई 8। अब 125 को और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 5 द 40 कैरी 4 8 2 द 16 और 4 20 कैरी 2 8 1 द 8 और 2 10। 1000 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 के आगे हमें ये 30 ऐसे ही प्लेस करने हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 25 है यहाँ पर, ये 4 है, ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जहाँ पर के 0 0 0 होते चले जाएं। तो देखिए पहले माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम माइनस है तो यहाँ पर हम पहले माइनस लगा देंगे और उसके बाद में 15 को लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई इसे लिखेंगे 25 को, 4 को, 10 को, ये एक पेयर बन गया हमारा। इसको रख ग्रुप जो, अब 15 मल्टीप्लाई 25 फॉर द 100 और 100 को 10 से करेंगे तो 1000। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि माइनस 15 करके इसके आगे हम 30 लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा, 102 को हमें इसे स्प्लिट करना होगा किसमें, 100 प्लस 2 में, तो 41 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 में तो ये आ जाएगा, और फिर 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है तो ये 2 से करेंगे तो 41 टू द होता है 82। 82 इसमें से माइनस करना होगा हमें, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे चूंकि सेम साइन होगा ये, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4182, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसके अंदर इसका पार्ट ई आ जाता है, इस पार्ट ई को देखते हैं। इसमें 625 और 625 हमें सेम यहाँ पर दिख रहा है, दोनों सेम है लेकिन साइन का फर्क है इसमें, तो इसे साइन को हम इसके साथ लगा देते हैं। 625 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास में, वो तो 35 बचा माइनस का, और यहाँ भी माइनस का 65 बचा, इस तरह से लिख लेंगे हम। अब देखिए 625 को ऐसे रखेंगे और इसे ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस का और माइनस का 65। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं हम तो क्या आता है, देखिए 625 को तो ऐसे रखेंगे और इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि सेम साइन इसलिए ही प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 625, ये माइनस पहले लगा देंगे इसके आगे 20 प्लेस कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 50 माइनस 2 है ये, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 की, तो 0 75 द 35 और 7 2 द 14। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 336। नेक्स्ट आ जाएगा 17 माइनस 29 है, 29 को हम स्प्लिट करेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 30, पहले तो इसे लिख लेते हैं 17 को माइनस के 17 और 29 को क्या लिखेंगे हम, 29 जो है ये 30 माइनस 30 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 31 प्लस हो जाएगा, तो चूंकि ये माइनस हो गया माइनस 29 ही आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले माइनस 17 के 30 में गए 17 3 द 51, तो ये प्लस का आ जाएगा 510। इसकी मल्टीप्लाई होगा 17 के और 1 की करेंगे तो माइनस 17 आ जाएगा। अब 510 में से 17 को माइनस करना हमको तो ये आ जाएगा 493। देखिए 500 और कितना है ये हमारे पास में 510, इसमें से 17 को माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पे बचा 0, 10 में से 1 10 में से 1 9, 493 आ गया ये 493, इसका साइन होगा प्लस। अब इसमें क्या है कि 57 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो पहले हम 57 को कॉमन निकाल लेगा, ये माइनस इसके साथ में कर देंगे, ये तो पहले प्लस हो जाएगा, तो 57 को हमने कॉमन ले लिया और देखिए यहाँ से क्या बचेगा, ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से एक तो 19 बचेगा प्लस 1 बचेगा विद इन ब्रैकेट, तो 57 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, 20 में करनी है,
जीरो ऐसे लगा देंगे, टू से कर लेंगे, 2 7 द 14 कैरी वन और 2 5 द 50, 2 5 द 10, 0 का 0 2 7 द 14 और कैरी वन और 2 5 द 10 और 1 11, ये आ गया इसका आंसर।